नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं डीजे का सेटअप और उसमें दिखाएंगे कि मैंने कौन सा साउंड डाल रखा है और लोडिंग क्या कर रखा है और पिकअप के कैसे लादते हैं। तो और एक चीज़ और है, इस वीडियो को आप पूरा देखना और सेटअप में मैं लास्ट में ये बताऊँगा कि इसमें स्पीकर कौन कौन से हैं। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और प्लीज़ यार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो आप सबसे नीचे देख रहे थे जो कि आपको पट में है वो आपको मिलेगा, मतलब 18 इंच यानी कि ए प्लस का मेरा है वो 18 इंच का है। और उसके ऊपर एक जो लंबा सा रखा हुआ है उसमें आपको बता दूं कि वो मैंने खुद बनवाया है बढ़ई से, कारपेंटर से, यानी कि आपको बता दूं वो 15 इंच का है। और उसमें आपको बता दूं बीटा 3 के स्पीकर हैं जो कि आपको बता दूं मेरे पास एक स्पीकर था, मतलब साउंड पूरा था तो उसमें का खोलकर मैंने बीटा 3 सेट करवा दिया। और उसमें आपको बता दूं ट्यूटर लगे हैं और स्पीकर स्ट्रिप लगे हैं, से पूरे में स्पीकर लगे हैं, ट्यूटर भी लगे हैं। और आपको बता दूं उसके ऊपर जो है उसके ऊपर मैंने 12 इंच लाद रखा है और 12 इंच में आपको बता दूं कि एक्सपो का स्पीकर है 225 वाट, जो कि काफ़ी मुझे पसंद आया। 225 वाट मतलब कि लोकल है बट काफ़ी अच्छे हैं। और आपको बता दूँ इसकी वॉइस क्वालिटी, अगर आप 225 वाट का एक्सपो का स्पीकर लेते हो तो काफ़ी बेहतरीन यार स्पीकर है वो। वॉइस क्वालिटी मतलब कि उसमें ट्रेवल बेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं एक्सपो स्पीकर के ऊपर तो मैं आपको उस पर वीडियो भी बना के दे दूँगा। तो और आप तो सब देख लिए हैं, अगर और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको फुल सेटअप बताऊँगा कैसे लाते हैं और एम्पलीफायर कौन कौन सी है, 18 इंच पर कौन सा चलता है और बेस पर क्या चलता है और इस पर 12 इंच पर क्या चलता है, 15 इंच पर क्या चलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।